सोशल मीडिया के दौर में जहां मालूमात की रसाई पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है, वहीं अफवाहें फैलाना और गलत मालूमात फराहम करना भी एक संगीन मसला बन चुका है। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ बड़ा इकदाम उठा लिया है। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए नया कानून मंजूर कर लिया है, जिसके तहत अब झूठी मालूमात फैलाने पर 15 साल तक कैद और भारी जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि लोग सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और मुआशरे में बदमनी या गलत फहमी फैलाने से बाज रहें। विफाकी कबीना ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने, हरासानी के वाकयात में मुलव्वस अफराद और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया है। जराए के मुताबिक विफाकी कबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई हो गई। जराए का कहना है कि साइबर क्राइम में मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल सजा और भारी जुर्माना हो सकेगा। जराए का कहना है कि 11 माह बाद NCCIA पूरे इख्तियारात के साथ फाल हो गई है। NCCIA साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मजाज होगी। निगरान हुकूमत ने दिसंबर 2023 में NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। FIA के साइबर क्राइम विंग खत्म हो जाएंगे और मुतल्लिका अफसरान 1 साल तक अथॉरिटी में खिदमात देंगे। ये कानून क्यों जरूरी था? सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाली अफवाहें और गलत मालूमात अक्सर अवामी जज्बात को भड़काने, अमनो अमान की सूरत हाल खराब करने और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने का सबब बनती है। हालिया महीनों में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों की वजह से मुख्तलिफ शहरों में अवामी बदअमनी और अमनो अमान के मसाइल सामने आए हैं, जिसके बाद हुकाम को यह कदम उठाना पड़ा। नया कानून न सिर्फ इन अफवाहों को रोकने का एक मुअस्सर जरिया होगा, बल्कि सोशल मीडिया सार्फीन को भी खबरदार करेगा कि वो मालूमात की तस्दीक किए बगैर आगे ना बढ़ाएं। माहिरीन के मुताबिक सोशल मीडिया अफवाहें फैलाने वालों को सजा देने के साथ साथ अवाम में शऊर उजागर करने की भी जरूरत है, ताकि वो जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। यह कानून कितना मुअस्सर साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात वाज़ह है कि अब सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना सरगर्मियों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अवाम को भी चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर मालूमात की शेयर करने से पहले उसकी तस्दीक करें। अब देखना ये होगा कि ये कानून सोशल मीडिया पर अफवाहों के फैलाव को कैसे रोकता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।